दोस्त ही निकला दोस्त का कातिल। अज्ञात लाश मिलने के मामले में 24 घंटे में मृतक की शिनाख्त कर किया वारदात का खुलासा। चित्तौड़गढ़ में होटल पद्मिनी के सामने खाली भूखंड पर एक व्यक्ति की लाश मिली थी, जिसकी मर्डर मिस्ट्री मात्र 24 घंटे में पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह, डिप्टी अमित सिंह के निर्देशन में राजेश कसाना आरपीएस, थानाधिकारी तुलसीराम प्रजापत के नेतृत्व में प्रवीण सिंह, संग्राम सिंह, अमर सिंह बालमुकंद, रतनलाल, राजकुमार सोनी, साइबर सेल सुनील कुमार, गजेंद्र सिंह, पुष्पेंद्र सिंह की टीम गठित कर हत्यारे को गिरफ्तार किया गया, जिसका खुलासा पत्रकार वार्ता कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह द्वारा थाना कोतवाली में किया गया। मृतक की मौसी का लड़का 30 वर्षीय ब्रजमोहन उर्फ गुड्डू निवासी नई आबादी पुठोली जिला चित्तौड़गढ़ की रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 642/2020 धारा 302 301 भारतीय दंड संहिता में दर्ज किया जाकर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। पुलिस ने अज्ञात मुलजिम की तलाश हेतु अलग अलग टीमों का गठन किया व घटना के संबंध में जानकारी एवं साक्ष्य प्राप्त किए। दौरान अनुसंधान जानकारी में आया कि दीपक उर्फ कालू पिता राजेंद्र सिंह चौहान निवासी रतलाम, हाल पंचवटी 37, जो की एल्यूमिनियम फेब्रिकेशन का काम करता है। इसके साथ ही कल बबलू उर्फ गोपाल सिंह को अंतिम बार देखा गया एवं घटना के बाद से ही वह घर से फरार है, जिसकी तलाश एवं धरपकड़ हेतु एक टीम संग्राम सिंह के नेतृत्व में रतलाम की तरफ रवाना की गई। जिला तकनीकी टीम एवं विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचना के आधार पर दीपक उर्फ कालू पिता राजेंद्र सिंह चौहान को रतलाम से दस्तियाब करने में सफलता प्राप्त हुई, जिसे डिटेन कर थाने पर लाकर पूछताछ की गई तो दीपक उर्फ कालू ने उक्त घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। बबलू उर्फ गोपाल सिंह राजपूत एवं दीपक उर्फ कालू आपस में दूर के रिश्तेदार होकर दोस्त हैं एवं कभी कभार साथ बैठकर शराब पीते हैं। बबलू उर्फ गोपाल सिंह दीपक उर्फ कालू से 7,500 रुपए मांगता था। विगत 12 दिसंबर को भी दोनों ही पूरे दिन साथ ही थे और साथ बैठकर दिन में भी शराब पी थी। फिर शाम को वापस दोनों पद्मिनी होटल के सामने रिलायंस जियो की जमीन के पीछे यहां बैठकर शराब पीने लगे। इसी दौरान बबलू उर्फ गोपाल सिंह ने दीपक उर्फ कालू से अपने 7,500 रुपए की मांग की, जिस पर दीपक ने अपने पास पैसे नहीं होने के बारे में कहा तो बबलू ने दीपक को अपने पैसे नहीं देने के बदले दीपक की पत्नी को 5-7 बार अपने पास भेजने की बात कही, जिस पर दीपक उर्फ कालू को गुस्सा आ गया, जिस पर दीपक उर्फ कालू पेशाब करने के बहाने वहां से उठकर साइड में गया और वहां बड़ा पत्थर नहीं मिलने पर छोटे छोटे पत्थरों को अपने गमछे में बांधकर चुपके से बबलू उर्फ गोपाल सिंह के पीछे आकर सिर पर 2-4 जोर से वार किए, जिससे बबलू उर्फ गोपाल सिंह वहीं पर गिर गया। फिर अपने पास जो गमछा था उससे दीपक उर्फ कालू ने बबलू का पहले आगे बैठकर एवं बाद में पीछे बैठकर गला दबाया, जिससे बबलू उर्फ गोपाल सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद ही रात में दीपक उर्फ कालू अपनी पत्नी को लेकर रतलाम की तरफ भाग गया। नवबारा समाचार चित्तौड़गढ़ राजस्थान से दुर्गेश कुमार लक्षकार की रिपोर्ट। तारीख को चित्तौड़गढ़ कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत होटल पत्नी के सामने खाली जमीन पर एक अज्ञात लाश मिली थी, जिसकी पहचान बबलू गोपाल सिंह के रूप में हुई थी। उसके संदर्भ में तफ्तीश और मालूमात की गई तो मालूम चला कि उसकी दीपक और कालू राजेंद्र सिंह चौहान का पुत्र है। इनकी आपस में पैसों का लेन देन था, पैसों के लेन देन को लेकर कोई विवाद हुआ, उसी विवाद के बीच में कोई व्यक्तिगत बातचीत के तौर पर उसकी पत्नी का नाम आने पर उसे आवेश में आकर उसकी हत्या कर दी। तो आज इस दीपक को गिरफ्तार किया। मुलजिम का कोई पुराना रिकॉर्ड? मुलजिम के अभी कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, ये एल्यूमिनियम के जो गेट्स लगाते हैं उनका काम करता है मजदूरी।